जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास टेंथ केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करें, मतलब रासायनिक गुणधर्म अलग होता है और भौतिक गुणधर्म अलग होता है। आपको क्या है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में आपका अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ दिया धातु, दूसरे तरफ दिया धातु। एक नंबर कह रहा है कि धातु में विद्युत धनात्मक होती है, मतलब धातु क्या है, विद्युत को धनात्मक होती है, मतलब धातु की जो पहचान होता है किसी में एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होता है, लेता नहीं है। Na+ मतलब क्या है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। Ca+2 मतलब कैल्शियम किसी को दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेगा नहीं, ठीक है। अधातु में करें कि अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है, मतलब अधातु में क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, किसी को देगा नहीं, यानी कि O2- मतलब ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ग्रहण करेगा। Cl- मतलब क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। नंबर बी में है कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जो जल में घुलकर क्षार बनाती है। क्या कह रहा है, जो धातुएं जो होती है क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है, जैसे Na2+H2O मिलकर बनता है क्या, 2NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब धातु से क्या बनता है, क्षारीय ऑक्साइड, क्षार बनता है। अब अधातु में क्या है, अधातु में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, मतलब धातु क्या है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे CO2+H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब मिलता है तो बनता है H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मतलब बनता है क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है कि धातु में अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु क्या जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, ZnH2SO4, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलता है तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। और पॉइंट नंबर सी में धातु में करा अम्ल से अभिक्रिया करके क्या है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, क्या बनाती है, C+2H2SO4, मतलब कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड बनता है और जल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धातु में क्लोरीन से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है, यानी कि 2Na+Cl2, मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन मिलने से सोडियम क्लोराइड बनता है। पॉइंट नंबर डी, अधातु में करा अधातु में क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या है, सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है, मतलब H2+Cl2 मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जब मिलता है बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ धातु में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या है, अस्थायी हाइड्राइड बनाती है, अस्थायी मतलब स्थिर नहीं होता, जैसे Ca+H2CH2O। और अधातुओं का नेक्स्ट पॉइंट है कि अधातु में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या अस्थायी मतलब फिक्स हाइड्राइड बनाती है, क्या, H2S, Aero H2S। धन्यवाद।